जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। झांसी के सकरार थाना क्षेत्र के कनौरा गांव से महिला की हत्या कर शव को गायब करने का आरोप लगाया गया है। एसएसपी से शिकायत करते हुए उमेश पाल निवासी बेंदा महोबा ने बताया कि उसकी बहन छाया पाल की शादी 3 साल पहले जय हिंद पाल निवासी कनौरा सकरार के साथ हुई। 16 अगस्त 2021 को उसकी बहन लापता हो गई। उमेश पाल ने आरोप लगाया कि उसकी बहन की ससुराल वालों ने हत्या कर शव को गायब कर दिया है। बहन का शव बंजारीपुरा प्रतिपुरा निवाड़ी में मिला था। वह रिपोर्ट लिखाने के लिए लगातार चक्कर लगा रहा है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। पुलिस कहती है डीएनए रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट लिखी जाएगी। उमेश पाल ने रिपोर्ट दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। ये कहां तुम्हारा? तुम्हारा उमेश पाल। कहां रहते हो? हम ग्राम बेंदो के निवासी हैं। अरे जिला कौन सा है? महोबा। मामला क्या है तुम्हारा? मामला हमारा सर ये है कि हमारी जो बहन थी छोटी वाली, उसको ससुराल वालों ने मार दिया जान से। ससुराल कहां थी? ग्राम कनौरा थाना सकरार जिला झांसी उत्तर प्रदेश। उन्होंने उसको जान से मार दिया। बहन का नाम क्या था? छाया पाल। और उसने उनको मतलब मार दिया उन लोगों ने, ससुराल वालों ने। क्या कार्रवाई रिपोर्ट लगाई तुमने? रिपोर्ट हम लोग सर थाने जाते थे तो बोलते थे तुम्हारी बहन भाग गई है और 365 में मुकदमा दर्ज है। जब लड़की मिल जाएगी, जो हालत में मिलेगी उसी हिसाब से धाराएं बढ़ा दी जाएंगी। जबकि हमारी बहन 3 जनवरी को मिली, तालाब में डली थी। वहाँ के सरपंच ने हम लोगों को सूचना दी, क्योंकि हम लोग ढूंढते रहते थे तो सूचना दी हम लोगों को कंकाल अकेले मिले। तो उसके बाद पुलिस ने कोई आगे ना तो कार्रवाई की ना ही कुछ किया है। और बोलते हैं जब डीएनए आ जाएगा तब आपकी जांच होगी। सर हम लोगों ने लेकिन साड़ी से, कान के फूल, दांत के जबड़ों से पहचान बताई है कि हमारी बहन यही है। ये मामला है सर अगस्त का। हम इतनी यहाँ पे कम से कम 10-12 बार आ चुके, कोई आराम नहीं मिला, कोई ना मदद।